Cha-cha-cha-cha-cha! Dell Digital Technology Foundation. लवण समुद्र के अभ्यंतर तट की दिशाओं में चार कुमानुष द्वीप हैं। विदिशाओं में चार और आठ अंतर दिशाओं में आठ द्वीप हैं। हिमवान और शिखरी पर्वत तथा भरत ऐरावत संबंधी विजयार्थ पर्वत इन चारों पर्वतों के दोनों अंतिम भागों के निकट एक एक अर्थात आठ द्वीप हैं। इस प्रकार लवण समुद्र के अभ्यंतर तट के कुल द्वीपों की संख्या चार धन चार धन आठ बराबर 24 है। इसके बाह्य तट पर भी 24 द्वीप हैं। अतः लवण समुद्र संबंधी 48 कुमानुष द्वीप हुए। इसी प्रकार कालोदक समुद्र के 48 मिलाकर कुल कुमानुष द्वीपों का प्रमाण 96 है। लवण समुद्र और कालोदक समुद्र के अभ्यंतर बाह्य इन दोनों तटों से 500 योजन दूर जाकर दिशा संबंधी 8 द्वीप हैं। इन द्वीपों का विस्तार 100 योजन है। दोनों तटों से 500 योजन दूर जाने पर विदिशा संबंधी 8 द्वीप हैं। इन द्वीपों का विस्तार 55 योजन है। पुनः दोनों तटों से 550 योजन दूर जाने पर अंतर दिशा संबंधी 16 द्वीप हैं। इन द्वीपों का विस्तार 50 योजन है। अभ्यंतर बाह्य तटों से 600 योजन दूर जाने पर पर्वतों के निकटवर्ती 16 द्वीप हैं। इन द्वीपों का विस्तार 25 योजन है। ये सभी द्वीप जल के ऊपर एक योजन ऊंचे हैं। उस द्वीप के ऊपर कुमनुष्य रहते हैं। पूर्व दिशाओं के द्वीपों में एक जंघा वाले कुमनुष्य रहते हैं। दक्षिण में पूंछ वाले पश्चिम में सींग वाले उत्तर में गूंगे आग्नेय में शशकुली सदृश कर्ण वाले नैऋत्य में कर्ण प्रावरण वाले अर्थात जिनके कान वस्त्र सदृश शरीर का आच्छादन आदि करते हैं ऐसे वायव्य में लंबे कर्ण वाले ईशान दिशा में सुसा सदृश कर्ण वाले मनुष्य रहते हैं। चारों दिशाओं और चारों विदिशाओं के आठ अंतरालों में क्रम से सिंहमुख अश्वमुख श्वानमुख भैंसामुख सूकरमुख व्याघ्रमुख घुघुमुख और बंदरमुख मनुष्य रहते हैं। हिमवान और भरत संबंधी विजयार्थ
शिखरी और ऐरावत संबंधी विजयार्थ इन चार पर्वतों की पूर्व दिशा में मीनमुख, मेषमुख, मेघमुख और दर्पण मुख मनुष्य रहते हैं तथा इन्हीं पर्वतों की पश्चिम दिशा में कालमुख, गोमुख विद्युतमुख, हाथी मुख मनुष्य रहते हैं एक जंघा वाले मनुष्य गुफाओं में निवास करते हैं और वहां की अत्यंत मीठी मिट्टी का भोजन करते हैं शेष सभी मनुष्य वृक्षों के नीचे निवास करते हैं और कल्प वृक्षों द्वारा प्रदत्त फलों का भोजन करते हैं यहां जन्मादिक की सर्व प्रवृत्ति जघन्य भोग भूमि सदृश हैं। सभी कुमनुष्यों के कर्ण मुखादि का जो विशेष आकार बताया है उससे अतिरिक्त उनका संपूर्ण आकार मनुष्य सदृश ही है। जय जिनेंद्र, धन्यवाद।